लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स विद मैजिक में। लास्ट वाले वीडियो में हमने रेंज ऑफ सीक्वेंस देखा था, बाउंडेड सीक्वेंस देखा था, ऐसे कई सारे सीक्वेंस के जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम देखने वाले हैं, पहले देखने वाले हैं कि कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, उसके बाद देखेंगे कि लिमिट पॉइंट, यदि कोई भी सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बाद लिमिट देखेंगे कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, और लिमिट पॉइंट और लिमिट दोनों में फर्क क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आइए देखते हैं कि कॉन्स्टेंट सीक्वेंस किसे कहते हैं। मैं इसके पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हम उसके कुछ एग्जांपल लेंगे और बाद में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लेट an, मैंने आगे वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताया था कि हम सीक्वेंस को कैसे डिनोट करते हैं। अब सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं an, sn, और ऐसे भी आप कर्ली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गई, डिनोटेड बाय अ सीक्वेंस, इस टाइप से हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या होगी, लेट an बी अ सीक्वेंस। an हमारे पास क्या है, कोई सीक्वेंस है, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस फिर से आपको मैं बता देता हूं, an इज अ सीक्वेंस, इज सेड टू बी अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इफ, कंडीशन क्या है हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू c, और यहां पर c क्या है, c बिलोंग्स टू r। अब c बिलोंग्स टू n भी ले सकते हैं, यदि हमारे पास जो हम रेंज रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, c बिलोंग्स टू r। तो यहां पर देखिए, लेट an बी अ सीक्वेंस, इज सेड टू बी अ कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू c, यानी कि हमारी कोई भी सीक्वेंस होगी उसमें हम n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे इंफिनिटी तक जब पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, c। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी सीक्वेंस an है वो हमें क्या मिलेंगी, c c c c so on, यहाँ पर कोई एक टर्म यानी कि सिंगल टर्म सिंगलटन एलिमेंट हमें सी मिलेगा। तो यह क्या हो गया, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। यदि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है उसमें देखते कॉन्स्टेंट सीक्वेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 1 1 1 अप टू सो ऑन, ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं 2 2 2, ऐसे क्या आएगा एन एन सो ऑन। तो यह क्या हो गया हमारे पास, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस का एग्जाम्पल। यहाँ पर हम जो सी है वो कहाँ से लग सकते हैं, बिलोंग्स टू आर। तो यह हो गई कॉन्स्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब आगे हम देखने वाले हैं लिमिट पॉइंट, कि लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस किसे कहते हैं। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन लेट ए एन बी ए सीक्वेंस, यहां पर क्या है, ए एन हमारे पास सीक्वेंस है, is said to be a limit point of sequence। यदि हमारे पास कोई an sequence है और उसका limit point क्या होगा वो हमें find out करना है, तो क्या लेंगे, limit point of a sequence। हम पहले ले लेते हैं कि कोई l है, l belongs to, या मैं ऐसे लिखता हूँ, l is a real number, यानी कि हमारे पास जो l होगा l belongs to r। पहले क्या किया हमने, an एक सीक्वेंस ली, उसे हम कैसे लिमिट पॉइंट कंसिडर करेंगे, कि l इज अ रियल नंबर, यानी कि जो हमारा रियल नंबर है उसमें से हम l लेंगे, और इसके बाद कंडीशन क्या आती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर हम ऐसा एक एप्सिलॉन चूज करेंगे कि जिससे जो हमारे आगे में कंडीशन लिखूंगा वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल एंड पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर, इसे हम कहेंगे n, n से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल n पॉजिटिव इंटीजर m, देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्या होना चाहिए, ए एन जो हमारी सीक्वेंस है, माइनस हमने जो रियल नंबर यहां पर लिया है आई एल बिलोंग्स टू आर, लेस देन क्या होना चाहिए एप्सिलॉन, और यहां पर जो हमारा एन है वो कहां से आएगा, नेचुरल नंबर यानी कि एन बिलोंग्स टू एन, हमारे पास एप्सिलॉन क्या है जीरो से बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन जीरो। और यहां पर एक बात यहां पर हमें पता होनी चाहिए कि हमें जो के लिया है क्या है जीरो से बड़ा, यानी कि यहां पर एक बात लिख लेते हैं कि m, उसके बाद यहां पर क्या आएगा जो हमारी कंडीशन है वो क्या है k ग्रेटर देन m, यानी कि k है वो हमारा क्या होना चाहिए m से बड़ा, यहां पर k और m दोनों क्या है k और m पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर जो हमने k लिया है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, और यहां पर हमने जो कहा पर यहां पर देखिए m लिया है वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और इस दोनों में दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि हमारा के क्या होना चाहिए m से बड़ा, यहाँ पर हमने के दिया है कि m क्या है m है वो स्मॉल है, तो इसकी इसका मतलब क्या हो गया कि k है वो क्या है m से बड़ा है, तो देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या होना चाहिए n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, जहां पर हमारा n बिलोंग्स टू n होगा और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यह हो गई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की, एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा तब उसे हम क्या कहेंगे एल को लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस नहीं या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम एल को क्या बोलेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो आइए कुछ इसके रिमार्क और नोट से वो पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी वो क्या थी, ए एन यहाँ पर एन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या आएगा ए एन माइनस एल, उसका जो मोड है वो क्या होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यदि हम इसको मोड को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पर दोनों तरफ एन को क्या कर देंगे हम प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एप्सिलॉन प्लस एल, यहाँ पर यह कंडीशन आ गई। यहाँ पर देखिए एन माइनस एल यानी कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, यानी कि हमारे पास ए इंटरवल आ रहा है, यहाँ पर क्या है ओपन इंटरवल है, इसको मैं ओपन लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या इंटर आ रहा है यानी कि यहाँ पर जो इंटरवल है उसमें हम एक नेबरहुड कंसिडर करेंगे, तो उसमें क्या आना चाहिए जो एन है उस सिक्वेंस के इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट आने चाहिए, तो इस जो कंसेप्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि L belongs to R is a limit point, इसे हम limit point कब consider करेंगे, the sequence of AN if and only if neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence, यानी कि इसको हम समझ देंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई ऐसी sequence होगी और यहाँ पर इसका हम जब neighborhood consider करेंगे तो इसका देखिए एक neighborhood consider करते हैं, तो यहाँ पर A क्या हो गया इसका neighborhood, जो हमारी सीक्वेंस है उसका यह हो गया नेबरहुड, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए एल को हम जब लिमिट पॉइंट कब कंसीडर करेंगे कि उसमें इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेबरहुड जो हमने कंसीडर किया उसमें क्या आ रही है इसकी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, तो यहाँ पर जो एल होगा वो क्या होगा हमारा लिमिट पॉइंट, इस एल को हम क्या कंसीडर करेंगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। क्या किया हमने जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें से हमें इंटरवल मिला, उस एन जो हमारी सीक्वेंस है उसने उसमें हमें क्या एक नेबरहुड कंसीडर किया, और नेबरहुड में अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम जो नेबरहुड है उसमें जो एल होगा एल बिलोंग्स टू क्या है आर, उसे हम क्या कहेंगे लिमिट पॉइंट। और यहाँ पर देख लेते हैं कि लिमिट पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास होगा माइनस वन रिश टू एन, यह एग्जाम्पल इसमें हम हमारे पास ए एन इजिकल टू क्या है माइनस वन रेस टू एन, यहाँ पर देखिए हम पहले में वन पुट करेंगे एन इजिकल टू एन बिलोंग्स टू क्या है हमारे पास एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यहाँ पर एन इजिकल टू वन रखूंगा तो क्या आएगा माइनस वन, टू रखूंगा तो माइनस वन स्क्वायर वन हो जाएगा, थ्री रखूंगा तो माइनस वन वन,
ऐसे क्या रहा है माइनस वन वन, ये हमने देखा था कि यह सीक्वेंस का है मोनिटोनिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर यह मोनिटोनिक सीक्वेंस है तो इसका लिमिट वेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसका माइनस वन वन ये आ रहा है तो इसका लिमिट वेट क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस एन हो गया रहे वन वन माइनस वन, यानी कि यहाँ पर हमें टू लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं। और ऐसे भी एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि जिसमें लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए एन इज इक्वल टू क्या है एन, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो वन टू थ्री अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका लिमिट पॉइंट हमें नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर देखिए हमें जो लिमिट पॉइंट मिला ऐसी एक सीक्वेंस का एग्जाम्पल लिया जिसमें लिमिट पॉइंट नहीं होगी, जिसके लिमिट पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसा भी हमने एग्जाम्पल देखा। अब लास्ट में आइए देखते हैं कि व्हाट इज द लिमिट, और लिमिट की कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखें लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, पहले हमने क्या देखा था लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लेट एन बी अ सीक्वेंस, यदि हमारे पास कोई एन सीक्वेंस है एंड एल बिलोंग्स टू आर, एल बिलोंग्स टू क्या है आर, एल इज सेड टू बी अ लिमिट। आगे वाली जो हमने डेफिनेशन देखी थी लिमिट पॉइंट, उसमें क्या था एल बिलोंग्स टू आर एंड एल इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट। यहाँ पर क्या है एल इज सेड टू बी अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ए एन, इसे हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ए एन कब कहेंगे, यदि हमारे पास फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर एम कहाँ से आएगा देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन, यानी कि हमारे पास जो एम होगा वो नेचुरल नंबर में से होगा, सच दैट क्या होना चाहिए ए एन माइनस एल उसका जो मोड है क्या होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि यहाँ पर एम हमारे पास क्या था बिलोंग्स टू एन, यहाँ पर एन भी आएगा वो क्या आएगा नेचुरल नंबर में से आएगा, यहाँ पर जो हमारा एन है वो और वो क्या होना चाहिए एम से बड़ा होना चाहिए यानी कि बिग होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। फिर से आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ कि एन बी अ सीक्वेंस, यदि हमारे पास एन कोई सीक्वेंस है और एल बिलोंग्स टू आर, तो यदि एल को लिमिट ऑफ सीक्वेंस कब कहेंगे कि हमारे पास जो एन सीक्वेंस होगी उसमें क्या होना चाहिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, और तब देयर एग्जिस्ट एम जो हमारा नेचुरल नंबर में से हमने कोई एन लिया है नेचुरल नंबर लिया है तो क्या आना चाहिए सच देट एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर जो लेस देन एप्सिलॉन है वो कोई एक टर्म के लिए नहीं लेकिन एवरी टर्म के लिए होना चाहिए, यानी कि एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन है तो उसमें क्या हो जाएगी ए हमें मिलेंगे, और लिमिट एन टेंस टू बी एन है तो उसमें क्या मिलेगा हमें बी। इस दोनों का यूज करके हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव करने, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। यदि हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर के क्या है के इज कॉन्स्टेंट, के इज एनी कॉन्स्टेंट, जो के है उसको कोई भी आप कॉन्स्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के ए, तो ए एन है उसका क्या लिमिट मिली थी हमें ए, तो यहाँ पर ए जाएगा और कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ही होगा। यहाँ पर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए इंटू, यहाँ पर एन लिख सकते हैं कि कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पर मैं एन लिख देता हूँ, यहाँ पर ए मोड ऑफ एन तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ए एन, यानी कि हम जब एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एन। तो इसके कुछ और प्रॉपर्टी है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन, यानी कि हमारे पास एन बी एन टू सिक्वेंस थी और उसका क्या करना है सम करना है, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस बी एन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन प्लस बी एन, यानी कि हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू क्या था एन ए, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू क्या था बी, तो हम इसको लिमिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, तो यहाँ पर क्या आ जाए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा ए होगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा हमारे पास बी एन बी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर यह क्या कह रहे हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो लिमिट है उस हम टर्म बाय टर्म को दे सकते हैं यानी कि सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस बी एन थी, तो हमने क्या किया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन, इसे हम कर सकते हैं इसे सेपरेट दे सकते हैं और इसका आंसर ए प्लस बी आ जाएगा। वैसे सिमिलर वे हमने क्या किया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या है इन्फिनिटी है ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू क्या होगा इसको हम सेपरेट देंगे तो ए माइनस बी, यहाँ पर हमारे पास क्या है ए और बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए और बी।
जैसे हमने सम में किया, सबट्रैक्शन में किया, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में। यदि कोई सीक्वेंस की दो मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो वो क्या आ जाएगा, ए ओवर बी। और इसका सेम डिवीजन, डिवीजन में कंडीशन है कि हमारा बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यदि बी जीरो होगा तो ये अनडिफाइन होगा। यहाँ पर क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी बी एन। तो यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन हमारे पास क्या है, ए है, और लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी बी एन क्या है हमारे पास, बी है। तो यह हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी। और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी अगर जीरो होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। और हमारी जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी वो क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी वन अपॉन ए एन, यहाँ पर भी ए हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी वन अपॉन ए एन, यानी कि यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी यहाँ पर जो हमारा न्यूमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा, वन। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, वन, और डिवाइडेड बाई लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ए एन, उसकी लिमिट क्या थी हमारे पास, ए थी। यहाँ पर आंसर आ जाएगा एन, यानी कि वन अपॉन ए। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई होप कि आप सब लोगों को पहले जो हमने देखा था कॉन्स्टेंट लिमिट, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, उसके बाद देखा था लिमिट पॉइंट, और उसके बाद जो हमने लास्ट में देखा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखने वाले हैं कि कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद बोल्जानो-वाइस्टर्स थ्योरम लेंगे हम, उसका स्टेटमेंट देखेंगे, और उसके बाद हम डाइवर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को आज का जो हमने टॉपिक लिया वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आने वाले सभी वीडियो को आप को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाएगा, शेट ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।